नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। तो क्या कभी सफर करते हुए आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर ट्रेन में हमेशा जनरल डिब्बों को ट्रेन के दोनों छोर पर ही क्यों लगाया जाता है? कभी भी किसी भी जनरल डिब्बे को ट्रेन के बीचों बीच क्यों नहीं लगाया जाता? आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी जानकारी इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जो रोजाना करोड़ों लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाती है। और इसी के साथ पूरे भारत में इसके 17 जोन स्थित हैं। साथ ही हर रेल यात्रा को सरल, सुखद और सुविधा युक्त बनाने के लिए भी ट्रेन में डिब्बों को लगाने का भी एक सिस्टम है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि रेल में जनरल बोगी को हमेशा शुरुआत में या आखिर में ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि लगभग हर ट्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, यानी कि इंजन के बाद में या फिर लास्ट में जनरल डिब्बे को लगाया जाता है। बीच में AC3, AC2 और स्लीपर कोच लगाया जाता है। लेकिन आखिर किस लिए यह सीटिंग अरेंजमेंट सभी ट्रेनों में कॉमन होता है? इंडियन रेलवे के एक अधिकारी ने इस सवाल का जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि रेल के डिब्बों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ऐसा किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रेन के जनरल डिब्बों में भीड़ सबसे ज्यादा होती है और जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो पूरी भीड़ स्टेशन के मेन गेट से अंदर आती है या बाहर जाती है। ऐसे में अगर रेल की जनरल बोगी स्टेशन के गेट के सामने होगी तो पूरी भीड़ उसी जगह पर इकट्ठी हो जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसे में सामान और यात्री दोनों ही एक दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रेन के दोनों छोरों पर जनरल बोगी को लगाया जाता है, ताकि भीड़ टुकड़ों में बट जाए और किसी भी प्रकार की असुविधा यात्रियों को ना हो। अगर आपको भी भारतीय रेलवे की यह बात पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।